violence against women is increasing day by day in our society, and one of the biggest violence that take place is rape. Touching a woman or a person without her consent is called rape. Rape cases are growing at a very high rate in India. It is estimated that approximately 35% of women worldwide have experienced sexual harassment in their lifetime. India ranks 148 out of 170 countries in the Women, Peace and Sexual Index 2021. Rape, jitne bhi cases after 2012 aate the, all over India ke. So in order to make it more like punishable, there were drastic changes in Criminal Law Amendment Act 2013, jiski wajah se death penalty aur baki punishments bhi enhanced kiye gaye. बट गर्ज ये है कि हमें ये देखना है कि क्या कानून का सख्त होना ही एक वाहिद ज़रिया हो सकता है इस चीज़ को रोकने के लिए. मुझे लगता है कि अगर हम 2012 से पहले का डेटा देखें या 2012 के बाद का डेटा देखें तो हमें इतनी फ़र्क नहीं लग रही है. सो मुझे लगता है कि लॉ का सख्त होना भी वो एक ज़रूरी चीज़ है. बट बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं इसमें, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, सो इन चीज़ों को भी एड्रेस करने की ज़रूरत है. According to the 2019 annual report of National Crime Records Bureau, 32,033 rape cases were registered across the country on an average of 88 cases daily. One rape was reported every 16 minutes in 2019. Of these, 30,165 rape cases were committed by the perpetrators known to the victims, which is 94.2% of the total. The high number was similar to 2018. Most of the rape reports go unreported because the victims fear humiliation in India and throughout the world. जो सफ़र करता है वो रेप विक्टिम करता है, ना कि रेपिस्ट. अनफॉर्चुनेटली पहले तो उसको अदालत के चक्कर काटने पड़ते हैं. आपको पता है कि हमारा लीगल सिस्टम थोड़ा स्लो है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रूव अ केस ऑफ रेप. और उसके बाद ये एक ऐसा क्राइम है, पहले इसको प्रूव करने में भी कितना टॉर्चर होता होगा एक रेप विक्टिम का, और एविडेंस कलेक्ट करना भी कितना मुश्किल होता होगा. और मान लीजिए वो प्रूव हो भी गया, समाज की नज़रें, फैमिली की नज़रें आपको बहुत अनकंफर्टेबल कर देती है. एज अ रिजल्ट सेक्सुअल वायलेंस या पर्टिकुलरली रेप की जो रिपोर्टिंग है वो बहुत ही कम होती है. बहुत ही कम औरतें हैं जो सामने आती हैं और ये कहती हैं कि हमारा रेप हुआ है या हमारे साथ सेक्सुअल वायलेंस है. अगर आप ग्लोबल डेटा देखेंगे, तीन या चार औरतों में से कम एक औरत ऐसी है, एनी एवरेज वुमन, जिसने कभी ना कभी कोई वायलेंस फेस किया हो, कोई सहा हो. और रेप भी उनमें से एक है. कि रेप्स बढ़ रहे हैं या रेप्स की रिपोर्टिंग बढ़ रही है, क्योंकि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं. मे बी रेप्स पहले से होते आए हो और मे बी क्या होते आए हैं. अब ये है कि पहले घर की चार दीवारी में होता था, किसी को मालूम नहीं होता था. आज ज़माना सोशल मीडिया का है, कोई भी केस होता है तो वो हाईलाइट हो जाता है. सो प्रेवलेंस ऑफ रेप्स हैज़ इंक्रीज्ड. इट कुड बी वन साइड ऑफ द स्टोरी, बट रिपोर्टिंग हैज़ इंक्रीज्ड. दैट कुड बी पॉसिबली अ मोर बिगर ट्रूथ. और रेप एक स्ट्रेंजर करता है, ये एक मिथ है जो रेप से रिलेटेड होती है. मैक्सिमम रेप्स जो है, अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखेंगे, वो अपने ही लोग करते हैं. नेबर हो गया, कोई ऑटो ड्राइवर हो गया जो आपके बच्चों को स्कूल लेके जाता है, कोई कज़न हो गया, कोई चाचा हो गया, कोई मामा हो गया. हमारे पास वुमेंस कलेक्टिव में भी कुछ ऐसे केसेज आए हैं जो नेचुरली हम केस की कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से डिटेल्स तो रिवील नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे केसेज आए हैं जहाँ पर अपने सगे मामा, सगे चाचा लड़कियों को मोलेस्ट करते थे, रेप करते थे घर के अंदर.